जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों रियलमी 6 डिवाइस मेरे हैंड में, और रियलमी 6 में सितंबर मंथ का अपडेट आया था C.13 जो कि 154 MB का था। स्टूडियो में दोस्तों यहां पे फुल रिव्यू वीडियो हम करने वाले हैं, तो बेंचमार्क स्कोर भी जी में एपेटेड एंड टेस्ट एंड देखेंगे कि कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपडेट मैंने कर लिया है, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग में ले जा लेता हूँ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो अपडेट है C.13 अपडेट है, लेटेस्ट एंड रियलमी 2.0 का ही अपडेट है। यहाँ पे ये 154 MB का था। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज अपडेट सितंबर 2021 का मिलता है। थीम स्टोर में कुछ बग्स को फिक्स किया गया, लाइव वॉलपेपर के साथ कुछ बग्स थे इसे फिक्स किया गया है। एंड रियलमी लिंक ऐप के साथ भी कुछ बग्स थे, इससे क्रैशिंग का इशू था, इस बग्स को फिक्स किया गया। सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया, सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। कोई नया फीचर्स ऐड यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है। रैम जो एक्सपेंशन का जो फीचर था वो भी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। और रियलमी 3.0 का अपडेट भी रियलमी 6 सीरीज़ में से किसी को नहीं मिलने वाला है, सैड न्यूज़ है। बट दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं मिलेगा, बट अगर यहाँ पे जो सेकेंड रोड मैप आता है तो मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 6 प्रो को अपडेट मिल जाए, बट 6XI को अपडेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी जो एप्स है कलर स्टोर रियलमी 3.0 की मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके डिवाइस में 3.0 का अपडेट नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ़ोन मैनेजर है, क्लीनअप एंटीवायरस ऐप भी अवेलेबल है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और जो थीम स्टोर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो 8.1.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है रियलमी 3.0 कलर OS 12 में यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो लाइव वॉलपेपर के साथ जो इश्यू था उस बग्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। वीडियो रिंगटोन न्यू लाइव वॉलपेपर आपको फ्री में बहुत सारे थीम स्टोर में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो आप ये अपडेट ले सकते हो, और चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिससे कि आप इस ऐप को अपडेट कर सकते हो। वैसे दोस्तों यहाँ पे जो गेम स्पेस है, मैं दो गेम स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, 2.0 एंड 3.0 वाला, दोनों ही मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3.0 वाला गेम स्पेस है, इसमें आप लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हो कि कौन सा गेम आपने कितनी देर खेला है, कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा गेम खेला है। गेम एक्सप्लोजर वाला फीचर भी मिलता है जिसमें बहुत सारे गेम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि भले ही रियलमी 3.0 का अपडेट नहीं आया है, बट बहुत सारी जो सिस्टम ऐप है आप अपने मोबाइल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों फटाफट से एंटीटू बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं। जो पहले एंटीटू बेंचमार्क स्कोर था C.12 में वो 2,34,000 के पास था। अब चलिए देखते हैं इस अपडेट के बाद क्या एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आता है। तो भाई एंटीटू बेंचमार्क स्कोर जो है वो 2,91,000 के आसपास आया है। 55,000 का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर जो है इंक्रीज हुआ है। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर काफ़ी बेहतर आया इस अपडेट के बाद। चलिए दोस्तों अब बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करते हैं, BGMI बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट। यहाँ पे मैं बैटरी दिखा दूँ, 31% है एंड टेम्परेचर 39°C है। 31 है इसे हम 30 ही मानेंगे, और चलिए देखते हैं कि अपडेट के बाद BGMI बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट में क्या होता है। यहाँ पर मैं इसे टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ, एंड जो ग्राफिक सेटिंग है स्मूथ और एक्सट्रीम में ही हम यहाँ पे गेमिंग करने वाले हैं।
यहाँ पे दोस्तों लगभग आधा घंटा 30 मिनट जो है BGMI बैटरी ट्रेनिंग टेस्ट हम कर चुके हैं। यहाँ पे जो बैटरी आप देख सकते हो 10% बैटरी बची है एंड 30% पे स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 20% बैटरी ट्रेनिंग हुआ। और यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हो 47 डिग्री, ऑलमोस्ट यहाँ पे मोबाइल जो है ब्लास्ट होने वाला है मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो गया है। वैसे एंतु बेंचमार्क स्कोर काफ़ी अच्छा आया है इस अपडेट में, बट बैटरी रेटिंग थोड़ी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। आपको अपडेट मिला हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, एंतु बेंचमार्क स्कोर भी शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ओप्पो और रियलमी से रिलेटेड सिस्टम ऐप अपडेट के लिए सबसे पहले ओप्पो रियलमी सिस्टम ऐप ग्लोबल ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सिस्टम ऐप के अपडेट मिलते रहें। दोनों ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतने, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।